गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो फाइन. टुडे विल टीच अबाउट द टेंसेस. आज आपको टेंस के बारे में बताएंगे. टेंसेस क्या होते हैं हिंदी में? नहीं बोलते हैं काल. क्या बोलते हैं इनको? काल बोलते हैं. ये तीन प्रकार के होते हैं, प्रजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, जिसे मैंने हिंदी में लिखा वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल. ओके बच्चों, देर आर थ्री टेंसेस ऑफ वर्ब. पहले प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया. टाइम नाउ, जो भी समय है उसको वर्तमान काल बोलते हैं. और टाइम देन, उसको भूतकाल. पास्ट अ टाइम टू कम, जो आगे आने वाला समय है उसको भविष्य काल बोलते हैं. इसको आगे भी सब डिवाइडेड किया हुआ है टेंसेस को, लेकिन मैं आज आपको सिंपल टेंसेस, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर के बारे में बताऊंगा. सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर के बारे में बताऊंगा. सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट. वी यूज़ द सिंपल प्रेजेंट टेंसेस. हम कहाँ इसमें प्रयोग करते हैं? जो यूनिवर्सल ट्रूथ, जो सेंटेंस होते हैं सच्चाई वाले वाक्य, उसमें हम जो है सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द मून इज अर्थ ओनली सैटेलाइट. चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है. एकमात्र उपग्रह है, सच्चाई है. इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज किया गया है. जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स द अराउंड द सन. सूर्य अपना पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है. सच्चाई वाला वाक्य है. इसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है. द सन राइजेज इन द ईस्ट. सूर्य पूर्व से निकलता है. इसमें भी हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया है. सिंपल प्रेजेंट टेंस की हिंदी में पहचान क्या है? हिंदी में पहचान है जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, आए. जिस वाक्य के अंत में ता, ते, ती आए, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है. जैसे कि सीता खाना खाती है, सीता पानी पीती है, रीना अच्छा खेल खेलती है. टी है मीन्स, यानी कि मैं स्कूल जाता हूँ. आई गो टू स्कूल. ओके, वह स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल. आगे बताऊँगा उसमें आपको कि भाई एस या एस कब लगता है इसमें. आगे देखो क्या भैया. टू डिस्क्राइब सम थिंग्स दैट हैज़ बीन हैपनिंग फॉर सम टाइम एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग. जो पहले से हो रहा है और अभी भी चल रहा है, उसमें प्रेजेंट सिंपल यूज होता है. जैसे द संडलेस लिव इन अलीपुर खालसा करनाल. संडले जो है अलीपुर खालसा में रहते हैं. ओके, सी इज अ सिंगर. वह एक सिंगर है. वह एक सिंगर है, गायिका है. वह एक गायिका है. ओके, आगे देखो. टू रेफर टू सम थिंग्स दैट हैपन्स रेगुलरली और हैबिचुअली, जो लगातार और आदत वाले हैं. जैसे कि माय फादर रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग. मेरे पापा जो हैं, मेरे पिताजी जो हैं, हर रोज़ सुबह ही अखबार पढ़ते हैं. ओके बच्चों, ये हैबिट है, रेगुलरिटी भी है. जैसे ही स्विम्स अलॉट, वो काफ़ी जो है तैरता है. ये भी एक आदत है. इसको भी प्रेजेंट सिंपल में काउंट करेंगे. और प्यारे बच्चों, जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको, मैं इसमें एस या एस का प्रयोग करते हैं वर्ब के साथ, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ. वर्ब फर्स्ट फॉर्म है. ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है ऐसी एस का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट को देखते हुए. जब सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन है और सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर है. ओके, जैसे कि एग्जांपल्स देखिएगा. रीना रीड्स इंग्लिश वेल. रीना इंग्लिश
अच्छे से पटती है। रीना है, इसे रीना क्या थर्ड पर्सन है, इसलिए वर्ब की पहले फॉर्म के साथ एस आई एस आया। सपोज इधर लग, सपोज मैंने, तुम इंग्लिश अच्छी पढ़ते हो, यो रीड इंग्लिश वेल। वेल आप अच्छी, इसमें मैंने एस सी एस नहीं लगाया क्योंकि इसमें इसमें जो है सेकंड पर्सन है, इसका सब्जेक्ट क्या है, सेकंड पर्सन है, और ये इधर थर्ड पर्सन है, इसलिए इसके साथ ऐसा लगा था। इसलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर याद रखना, इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इधर एस सी एस लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। देखो ही गोज़ टू स्कूल, ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। अगर यहाँ ये जो थर्ड पर्सन है सिंगुलर है ही, ओके बच्चों, इसलिए गोज लगा इधर। रमेश प्लेस क्रिकेट, रमेश सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, इसलिए एस लगाया है। ओके बच्चों, प्रेजेंट सिंपल में एस ए एस सब्जेक्ट के सब्जेक्ट को देखते हुए लगता है। अगर इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो एस ए एस लगेगा, याद रखना। उसके बाद देखिए आप सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसमें मैंने नोट भी दिया इधर, एडवर्ब्स और एडवर्ब फ्रेसेस लाइक यस्टरडे, आ वीक अगो, फोर मंथ्स अगो आर यूजुअली एडेड टू सेंटेंस डिस्क्राइब द पास्ट एक्शन। प्यारे बच्चों, जिस वाक्य में ये सब आते हैं, यस्टरडे, आ वीक अगो, फोर मंथ अगो, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इट स्नोड यस्टरडे, इट स्नोड यस्टरडे, भाई कल हुआ था काम ही है ना, कल ये बर्फ गिरी थी तो इसलिए यस्टरडे आया इधर। सी कुकड लास्ट आफ्टरनून ने काम हुआ था, भाई वो खाना बना रही थी ना, पका रही थी, तो इसलिए कुकड आया इधर। क्या आया, कुकड, क्या आया, कुकड। यस्टरडे है ना, यस्टरडे, देखो इधर, इधर आफ्टरनून है। ओके, आगे देखिएगा, टू इंडिकेट दैट समथिंग वॉज डन इन द पास्ट एज अ हैबिट, भाई पीछे जो हमारी आदतें थी उसके बारे में। माई मदर ऑलवेज इन्जॉयड गार्डनिंग, भाई उसकी आदत थी भाई गार्डन में जो है मतलब अच्छा फील करना। माई मदर ऑलवेज इन्जॉयड गार्डनिंग, एज यू आर, एज अ यंग गर्ल, एज अ यंग गर्ल आई एक्सरसाइज अलॉट, भाई मैं जब यंग होती थी तो मैंने जो है बहुत व्यायाम किया, इसकी आदत थी इसकी। ओके बच्चों, आगे देखो इसने क्या दिया, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट अकर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट, जो पास्ट में जो एक्शन हुए हैं। पहले आई लिव्ड इन दयाल नगर फरीदाबाद टिल द एज ऑफ 5 ईयर्स, जब तक मैं 5 साल का था तो मैं कहाँ रहा था, दयाल नगर में, फरीदाबाद में रहा था। ओके बच्चों, चलिए देखते हैं आगे, सिंपल फ्यूचर टेंस आ गया हमारा, अभी क्या आ गया, सिंपल फ्यूचर टेंस। वी यूज़ द सिंपल फ्यूचर टेंस टू से व्हाट वी थिंक और नो फॉर सर्टेन विल हैपन इन फ्यूचर, जो भविष्य में होने वाला है, जो भविष्य में होने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल, आई शैल रिपेयर माई बाइसिकल टुमारो, आई शैल रिपेयर माई बाइसिकल टुमारो, तो कल मैं कार्य करने वाला हूँ, मैं अपनी बाइसिकल को मरम्मत करने वाला हूँ, कल करूँगा। ओके, शशि विल विजिट अस नेक्स्ट मंडे, शशि हमारे पास कब आएगी, अगले सोमवार को आएगी। ओके, आएगी, जिस वाक्य में गा गे गी आते हैं वो फ्यूचर टेंस है बच्चों। ओके, टू मेक अ प्रोमिस और टू ऑफर टू डू समथिंग्स, भाई कोई प्रोमिस करना, ओके, कुछ देना कुछ लेना जो भी है। जैसे वी विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट टुमारो, भाई ये प्रोजेक्ट हम कल पूरा करेंगे। वी विल कंप्लीट, ऐसे वी विल, ओके, ये आई डब्ल्यू एल एस करने से वी विल ही है। ओके, वी विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट टुमारो। यू टुक फेवरिस, भाई अब बुखार था ना, तो आई विल कॉल द डॉक्टर, तो मैंने डॉक्टर को बुलाया, ठीक है, तुम्हें बीमार देखा, तुम्हें बुखार सा देखा मुझे, तो मुझे मैंने जो आपको आपके लिए डॉक्टर को बुलाया, आई विल कॉल द डॉक्टर। ओके बच्चों, ये हमारा आज का जो है
प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर का जो सिंपल है उसके बारे में थोड़ा बताया बच्चों, और यू रेफर योर बुक्स ओके, और बाकी कोई समस्या यू कैन कॉल मी। थैंक यू सो मच।